अम्मी, मैं अब्बू के साथ यहाँ पे खुश हूँ। आप लोग चले जाएं यहाँ से। जीती रहो बेटी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। सुन लिया तुम लोगों ने? चलो अब जाओ तुम लोग यहाँ, चलो। जाओ जाओ, चल भाई, चल चल। अबे जाओ ना भाई, जाओ। जी बेगम साहिबा, कसम से बिल्कुल सही मौके पर फोन आया है। आप बेफिक्र रहें, मैं अपनी बेटी को अब यास्मीन के साथ कभी नहीं भेजूंगा। बस आप पैसों का इंतजाम रखिएगा, हैं? जी जी जी। वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। जो इंसान अपनी बेटी की मैयत का सौदा कर सकता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। मैं भी माँ हूँ और मैं भी अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करूँगी। पता नहीं किस्मत में क्या लिखा हुआ। मुश्किलें हैं जो खत्म ही नहीं होती। एक तरफ शौकत भाई जैसी आजमाइश है ना हम पर, तो दूसरी तरफ रोमान जैसी इनायत भी है हम पर। वो ऐसा कुछ नहीं होने देगा, तुम देखना इंशाल्लाह। ठीक है, हो जाएगा। तुम सिर्फ असॉल्ट का केस चाहते हो या चोरी शोरी का इल्जाम भी लगाना है? यार चोरी तो उसने की है, लेकिन बात अगर सिर्फ चोरी तक होती ना तो मैं माफ कर देता, जाने देता। उसने जो आबान भाई के साथ किया है उस पर कोई माफी नहीं है, क्योंकि वो नाकाबिले बर्दाश्त बात है। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं अपने भाई से बहुत मोहब्बत करता हूँ। हाँ बिल्कुल जानता हूँ, अबान भाई की तमाम शरारतें याद है मुझे। वो याद है तुम्हें? उनके हिस्से की मार भी तुम्हें पड़ती थी। याद है, अच्छी तरह याद है यार। लेकिन अबान भाई जानबूझकर ऐसा नहीं करते थे, उनके दिल में मेरे लिए कोई बुराई नहीं थी। मगर एक बात मुझे परेशान कर रही है रोमान। क्या? अगर ऐसी कोई बात है तो आंटी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाना मुनासिब क्यों नहीं समझा? मतलब वो माँ है, वो भी चाहती है कि गेती को सजा हो। यही तो बात है, वो दिल की इतनी अच्छी हैं, किसी के खिलाफ ऐसी कोई चीज कर नहीं सकती। उन्होंने तो मुझ तक ये बात नहीं पूछी। वो तो हमीदुल्ला साहब ने मुझे। यही तो अजीब बात है रोमान, तुम्हें क्या लगता है कि यही बात है या कुछ और भी? क्या मतलब है इस बात? हो सकता है कि आबान भाई की तरफ से कुछ। यार तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अभी कह रहे थे कि मेरे बचपन के दोस्त हो, तुम जानते नहीं हो आबान भाई को। और कहना अच्छा नहीं लग रहा मुझे, लेकिन डिसेबल्ड है वो, माजूर हैं, उठ नहीं सकते खुद। और तुमसे अपना काम नहीं होता तो तुम मत करो ना यार, मैं कहीं और से करवा लेता हूँ। मेरे भाई पर ही इल्जाम मत लगाओ। एक तो तुम जज्बाती हो जाते हो, इतने ओवर सेंसिटिव क्यों हो तुम? यार थोड़ी सी आज़ादी तो दो मुझे। मेरे इमोशनल दोस्त ढूंढ निकालूंगा उसे, नो वरीज। इसमें इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरे घर वालों पर इल्जाम लगाओ। और वैसे भी तुम जानते हो भाई और मामा को लेकर मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, बहुत यकीन है मुझे उन पर। जहाँ यकीन होता है वहाँ पे रिएक्शन नहीं होता। खैर शौकत के मामले में हमें थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। लावज़े फंसा लिया तुमने खुद को इस रिचर्ड आदमी के चक्कर में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन? जी आदिल, क्या हाल चाल है? अच्छा हाँ ठीक है, आप शाम में आ जाओ। हाँ मैं वेट करूंगा आपका। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। खुदा का शुक्र है तुम भी मुस्कुराए किसी बात पे। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम अब जल्द से जल्द उसका पता करवाओ, मैं चलता। ठीक है, चाय तो पीते जाओ। नहीं नहीं, बाद में। खुदा ही रहम करे तुम पर मेरे दोस्त।